दरियाफ़्त फरमाया है कि मौफ़त मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ वफ़ात क्या है। भैया मौफ़त मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी हम कई मरतबा तलाश कर चुके। उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा किया है और बहुत अच्छा किया है। कहीं एक आध नोट उनकी ज़िंदगी के बारे में मिला, किसी ने बताया कि कोई किताब भी लिखी गई है, मगर ताहाल हम तक हमें दरियाफ्त नहीं हुई, तो इससे कुछ ज़्यादा जानते नहीं। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर बताइए। लेकिन जैसे उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया है, बहुत अच्छा किया, वो पढ़ने के काबिल आसान भी है और माशाल्लाह बा मुहावरा भी है। लेकिन होता ये है कि ये अल्लाह की अजीब तकसीम है कि जो अल्लाह ताला की तौहीद सच्चाई कुरान करीम इन उलूम की खिदमात में अल्लाह के यहाँ कबूल कर दिया जाता है, वो आदमी उसके हालात सब मिट जाते हैं। ख़त्म। अर्शाद अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का कुरान पाक का तर्जुमा किस घर में नहीं होगा। 30 साल मुसलसल हम तलाश करते रहे कि हज़रत के हालात मिलें, एक सफ़े से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता सही मुस्तनद, झूठ तो बहुत है। यही हाल इधर भी है। और हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महबूबियत है अल्लाह के यहाँ, वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह को प्यारे हैं, उस मोहब्बत का असर ये है कि जो हदीस शरीफ पे काम करके गए हैं एक एक ज़िंदगी का पहलू उनका मिलता है। एक अजीब चीज़ है, मुमकिन है आप इससे कोई हर्ज नहीं इख्तलाफ़ में भी, लेकिन तजर्बा ये है। तो मौफ़त मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात जनाबे वाला को कहीं मिलें तो हमें भी ज़रूर इत्तला कीजिए।